देख सकते हो। बस 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 ये देखिए स्विफ्ट डिज़ायर है पेट्रोल इंजन, तो अभी से प्रॉब्लम हो गई है, इसकी हेड गैस्केट फट गई है, तो ये गाड़ी ओवरहीट हो गई थी, इसमें पानी नहीं बचा था तो मैंने इसमें पानी डाला है। तो आपको स्टार्ट करके एक बार दिखा दें किस तरीके से ये उबाला मार रही है पानी का, ठीक है? तो स्टार्ट करके आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उबाला मार रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं, ठीक है? तो फिर अभी हम सल्फ मारने जा रहे हैं, आपको दिखा दें, ठीक है? मारो सल्फ, देख सकते हो। बस 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 तो देख सकते हो कितनी तेज से पानी लगा रहा था, उबाला मारे था, तो इसकी हेड गैस्केट ख़त्म हो गई है, फट गई बिल्कुल। तो आपको हम इसका हेड खोलेंगे, इसका हेड फेस होगा और ब्लॉक फेस होगा, ठीक है? जब तक हम इसका हेड फेस कराएंगे, ठीक है, जब इसका ब्लॉक हम फेस नहीं करेंगे तो गाड़ी सेट नहीं होगी, ठीक। तो पहले इसका हेड खोल लेंगे, फिर आपको कंडीशन दिखा रहे हैं क्या क्या होती है, ठीक है इसका। तो सबसे पहले इसका हम हेड खोलने जा रहे हैं, तो आपको ए टू जेड फिटिंग आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? तो इसकी हम फिटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं खोलना, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग निकाल लेंगे, ठीक है? सबसे पहले इसका बैटरी का तार हटा देंगे, बैटरी का तार हटा के इसकी वायरिंग साइड में करेंगे इसकी, फिर आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है, छोटा मोटा। फिर जब मेन हेड खोलेंगे फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसके हम बैटरी का तार और वायरिंग हटा रहे हैं, मैंने हेड खोलेंगे फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है? ये देखिए मैंने काफ़ी फिटिंग खोल दी है, वायरिंग हटा दी है, ठीक है, टेबिट कवर भी खोल दिया है, वायरिंग में बोला था साइड में कर दी वायरिंग है, और टेबिट कवर मैंने खोल दिया है, उसमें 10 नंबर के बोल्ट लगते हैं, इसका मैनिफोल्ड खोलने जाने इंटेक वाला। तो इसमें 12 नंबर के बोल्ट होते हैं, नट होते हैं, ठीक है? तो ये हो गए इसके नट बोल्ट, ठीक है? और एक यहाँ पर पत्ती लगती है, मैनिफोल्ड से नीचे जाती है, सपोर्ट होती है इसकी, वो नीचे पत्ती लगती है, जो 12 नंबर का बोल्ट लगता है उसको खोलना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर 12 की गोटी लगा के हम खोल लेंगे, ठीक है? मैनिफोल्ड वहाँ निकाल के फिर अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? फिर आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मैंने इसका मैनिफोल्ड खोल दिया है, ठीक है? अब इसकी मैंने हेडलाइट भी खोल दी थी, साइड का बम्पर ऊपर हटा दिया था, अब इसके नीचे की फिटिंग खोलने जा रहे हैं। तो इसका क्या क्या खुलेगा, ठीक है? टाइमिंग कवर, माउंटिंग और चैम्बर खुलेगा, ठीक है? ये तीन आइटम खुल जाएंगे और इसकी कैम खोल देंगे, तभी इसके नीचे से बोल्ट खुलेंगे इसके, जो 10 नंबर की गोटी लगेगी 12 पेल की, ठीक है? उसमें तो अभी वो हम खोलेंगे, तो सबसे पहले हम इसका टाइमिंग कवर के बोल्ट खोलेंगे, ठीक है? फिर इसका चैम्बर खोल देंगे, फिर चैम्बर खोल के हटा देंगे, फिर इस पर जैक लगा के इसकी माउंटिंग खोल लेंगे, माउंटिंग खोल के फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक है? जब हेड बोल्ट खोल के फिर भी आपको दिखा रहे हैं, जब ये वाले बोल्ट खोलेंगे फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है? ये देखिए मैंने इसका टाइमिंग कवर भी खोल दिया, ठीक है, और चैम्बर भी खोल दिया है। अब इसको आपको दिखा दें क्या क्या खुलेगा। टाइमिंग कवर खोल दिया था मैंने, और ये रजिस्टर इसका 10 नंबर के दो बोल्ट हैं, वो 10 नंबर के दोनों बोल्ट हम खोलेंगे, ठीक है? ये चेन पैड का, ये 12 नंबर का बोल्ट है, इसको खोल देंगे, और इधर चेन पैड के दो 10 नंबर के बोल्ट हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक वो नीचे वो वाला, ठीक है? दो 10 नंबर के चेन पैड के दो हो गए, ठीक, इधर और तीन इधर, दो रेस्ट के एक इसका चेन पैड का, ठीक है? तो इसको खोल के चेन हटा देंगे साइड में, और ये 8 नंबर के ये सारे बोल्ट निकाल के, कैप उप निकाल के इसके हेड के बोल्ट खोलेंगे, 10 नंबर के इसमें बोल्ट लगते हैं वो ऊपर से, तो 12 पल की गोटी लगती है, इसको खोल के हेड वहाँ निकालेंगे, फिर अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है, क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, इसमें सारी डिटेल में आपको समझाएंगे इसमें, ठीक है? ये देखिए मैंने इसका हेड खोल दिया है, ठीक है, और ये रखा इसका हेड है, हेड खोल के बाहर खोल दिया, ठीक है? अब इसको आपको इसकी हेड गैस्केट दिखाने एक बार किस तरीके से हुई है। ये देखिए इसकी हेड गैस्केट है, ठीक है, और देखिए यहाँ से इस जगह से ये फट गई थी, ठीक है, तभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, उबाला मार रही थी, ठीक है? तो इसका कंप्रेसर इधर इधर से उधर हो रहा था, ठीक है? तो अभी हम इसका हेड फेस कराएंगे और ब्लॉक भी फेस करेंगे, ठीक है? यदि हम ब्लॉक फेस नहीं कराएंगे तो हेड गैस्केट रुकेगी नहीं, ठीक है, कितनी भी डाल लें गैस्केट रुकेगी नहीं, तो हम मुझे हेड भी फेस कराना पड़ेगा और इसका ब्लॉक भी फेस कराना पड़ेगा, ठीक है? तो हम हेड फेस कराएंगे, ब्लॉक भी फेस करा के जब पार्ट टू की वीडियो बनाएंगे फिर एडूजे फिटिंग आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्या करना चाहिए, एडूजे फिटिंग बताएंगे आपको, ठीक है? तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।